और आपको बताएंगे महंगाई के सताए आवाम रिलीफ को तरस गए। मुल्तान में ये डिलीवरी स्टोर्स अशिया खुरनोश की कमी, गुजश्ता एक माह से आटा और चीनी नायाब हो गए, सार्फिन ख्वार होने लगे, खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। रिपोर्ट कर रही है सहरा तारिक। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका, गुज़िश्ता एक माह से आटा और चीनी मयस्सर नहीं, खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। बाजार की नस्बत यहाँ से कम रेट मिलता है तो इस वजह से यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, तो बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं यहाँ पे लेकिन आटा और चीनी नहीं है। शहरियों का कहना था कि मार्केट की नस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें कदरे कम हैं, मगर यहाँ पर अक्सर आटा और चीनी की अदम दस्तियाबी से शदीद परेशानी का सामना है। भी आते हैं यहाँ पर आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं होती, कभी आटा नहीं होता, असल गरीब के लिए तो यही कुछ है ना, आटा या चीनी। उसके बाद ये भी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ ना, ये आटा भी नहीं मिल रहा इतने रेट पे भी। शहरियों ने शिकवा किया है कि वो बेलगाम महंगाई से पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर अशिया की अदम दस्तियाबी ने पूरी कर दी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। महंगाई ने स्कूल बैग्स को भी अपनी लपेट में ले लिया, गुजश्ता साल की नस्बत स्कूल बैग्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। 500 रुपए वाला बैग 1000 रुपए का हो गया। बच्चे परेशान, दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाद कारोबार ठप हो गया है। अनिश्वा आसिफ, रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में बच्चों के स्कूल के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। वालदैन पहले फीसों से परेशान तो थे ही, लेकिन अब इस महंगाई ने स्कूल बैग्स को भी पहुंच से दूर कर दिया। कपड़ा महंगा होने से स्कूल बैग्स की कीमतें भी कई गुना बढ़ गयी। 500 रुपए वाला स्कूल बैग 1000 रुपए का हो गया। पहले जो बैग 500-600 का था, अब वो 1000-1200 का हो गया, कीमतें डबल हो गयी। इस वजह से बंदा अपने अखराजात जब देखता है तो उनको ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने बच्चों के कैसे अपने अखराजात पूरे करें। चाइना के इंपोर्टेड बैग्स की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपए तक है। 100 से 150 रुपए में फरोख्त होने वाला बैग अब 500 रुपए का हो चुका है। महंगाई के बाद स्कूल बैग्स खरीदने वाले तालिबे इल्म और वालदैन परेशान। तो गाहक तो फिर ऐसी है ना जी, अब 2-4 बस्ते बेचे वो खर्चा नहीं निकलता घर का, ना दुकान का, ना खर्चा कारीगरों का, ना हमारा, किसी का कुछ नहीं निकल रहा। दुकानदारों का कहना था कि स्कूल बैग्स की कीमतों में इजाफे की वजह कपड़ा और देगर मटेरियल का महंगा होना है। बैग खरीदने के लिए बहुत कम ग्राहक आते हैं, कारोबार ठप होकर रह गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अरिश्वा आसिफ, मुल्तान। और बात करेंगे महकमा सेहत मियांवाली की अदम तवज्जो की। THQ अस्पताल पिपला का इमरजेंसी रूम मरीजों के लिए कम पड़ गया। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर का इमरजेंसी रूम सिर्फ 4 बेड्स पर मुश्तमिल है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। THQ अस्पताल पिपला का इमरजेंसी रूम मरीजों के लिए कम पड़ गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 1 लाख से जायद आबादी वाले शहर का इमरजेंसी रूम सिर्फ 4 बेड पर मुश्तमिल है। MS डॉक्टर शेख मोहम्मद सईद का कहना था कि इमरजेंसी वार्ड की तौसी पर काम जारी है। उस पर चूंकि काम हो रहा है, PMU उस पर काम कर रहा है, जैसे ही वो उधर से अप्रूव होता है तो फिर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो ये हमारी इमरजेंसी फिर एक बड़े वार्ड में मुंतकिल हो जाएगी। MS डॉक्टर मोहम्मद सईद ने बताया कि THQ अस्पताल पिपला का ट्रामा सेंटर ADP स्कीम में शामिल है, उम्मीद है रवां साल ही बन जाएगा। यकीनन परेशानी तो होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, 2 हमारे पास वार्ड हैं, तो एक तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक अंडर कंसिडरेशन है कि एक वार्ड को हम इमरजेंसी की शक्ल दे दें, उस पर बहुत सारा वर्क हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक हमारी स्कीम ADP स्कीम में शामिल हुई है, 15 बेड का ट्रामा सेंटर, तो उस पर काम हो रहा है। MS डॉक्टर मोहम्मद सईद ने मजीद बताया कि ट्रामा सेंटर से कबल इमरजेंसी वार्ड बन जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खाने वाल इंतजामिया के नहली या फंड्स की किल्लत दर्जनों देहात की रास्ता सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किल का सामना, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, गाड़ियाँ भी खटारा बन गयी। मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट करेंगे। खाने वाल इंतजामिया की नाहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। दर्जनों देहात की राबता सड़क अवान चौक पर टूट फूट का शिकार। गड़ों के बायस गाड़ियां खटारा बनने लगी, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, शहरी परेशान। हमारा 2 ओवर तो दूर डोल गया था यहाँ पर खड्डे की वजह से, यहाँ पे रास्ता सही नहीं है। ये अभी टूटी पड़े, देखो लोग किस तरह गुजर रहे हैं, बारिश में तो गुजर नहीं सकते ना। टूट फूट की शिकार सड़क से बारिशों की सूरत में गुजरना नामुमकिन हो जाता है, जबकि हादसात भी मामूल बन चुके। आने वाल की इस राबता सड़क पर रोजाना 10 से 12 हज़ार मुसाफिर सफर करते हैं। शहरियों का कहना था कि पहले भी मुतद्दिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई, अब आला हुकाम से फौरी तौर पर सड़क बनवाने का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खाने वाल।
अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नहली शहर के गुंजान आबाद इलाकों में तजावजात की भरमार, कब्जा माफिया फुटपाथों पर विराजमान, कुशादा सड़कें सुकर गई, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आर्जी तौर पर तजावजात खत्म करने पर शहरी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी के खिलाफ फट पड़े। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जिला इंतजामिया की वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। माफिया ने शहर के तमाम अहम फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया। शहरियों ने बताया कि अलीपुर रोड के अतराफ पर लंडा बाजार और रेड़ी बाजार कई अरसे से विराजमान है, जबकि किनवान चौक, प्याज पार्क, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के अतराफ में फुटपाथ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हैं। इस हवाले से कई बार दरखास्तें दी गई मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। न रस्ते क्लियर हैं, न सड़कें ठीक हैं, फुटपाथों पर कब्जे हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ियां टक्करें मारती हैं, रिक्शों का स्टैंड बना हुआ है, ये इधर ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर कारें खड़ी हुई हैं, यही डीसी ऑफिस है, यही डीपीओ ऑफिस है, सिर्फ अजियत है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए। शहरियों का कहना था कि फुटपाथ पर कब्जा माफिया की वजह से खवातीन और बच्चे सड़क पर पैदल चलते हैं तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि शहराओं पर ट्रैफिक का दबाव होने के बायस मुतअद्दिद हादसात भी रोनमा हो चुके हैं। हर तरफ रेड़ियां रेड़ियां लगी हुई हैं, कहां बंदा कहां आ जाए, हर तरफ रश भी रश है। शहरी हलकों का कहना था कि कागजी कार्रवाइयों के बाद वहां दोबारा तजावजात कायम हो जाती हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमैर शेख के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कोचुट्टा इंतजामिया की नहली जिना कॉलोनी का सेवर सिस्टम जवाब दे गया। गलियां गंदे पानी से भर गईं, ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो गया। इलाके में मच्छरों की बहुत आत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में देखेंगे। कोचुट्टा में सेवरेज मसाइल ना हल हो सके, जिना कॉलोनी का चंद साल पहले बनने वाला सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। बड़ी रिहायशी कॉलोनी की गलियां गंदे पानी से भर गईं। शहरियों का कहना था कि एक तरफ सेवरेज का नाकिस निजाम है तो दूसरी जानिब अक्सर डिस्पोजल बंद रहने से गलियों में गंदा पानी जमा रहता है, जिससे शहरियों को बिलखसूस नमाजियों और स्कूल के बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत सारी मुश्किल का सामना है। ये देखें, पानी मतलब इतना ज़्यादा ठहर जाता है, बारिशों का पानी और डिस्पोजेबल नहीं चलता, जिसकी वजह से ये गंदा पानी आ जाता है। तो साथ में ये देखें मस्जिद है और इधर से स्कूल है, तो मस्जिद जो नमाजी हैं वो तंग होते हैं यहाँ से, मतलब नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चे भी तंग होते हैं। तो सेवरेज भी बंद है, जैसी वजह करें जड़ना ला महाला बीमारियाँ पैदा थी अपन, और अक्सर बेशतर हर बंदा खारिश और हेपाटाइटिस सीधा मरीज है था सारी कॉलोनी के बच्चे, और असा इंतजामिया का यही मुतालबा करें कि सारी सेवरेज और ये चालू की वजे और सारे गलियों की बिल्कुल सफाई की वजे। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सेवरेज सिस्टम की बहाली और डिस्पोजल को बाकायदगी से चलाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्टा। वेलकम बैक। बुलेटिन में बात करेंगे थैलेसीमिया डे के हवाले से, और आपको बताएंगे जामिया ज़िक्रिया मुल्तान में थैलेसीमिया डे पर तकरीब मुनाकिद की गई। निजी फाउंडेशन, मुख्तलिफ अस्पतालों और यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने तुलबा को आगाही लेक्चर्स दिए। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का कहना था कि इस बीमारी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, बाकायदा खून मिलने से ही इनकी बका है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम तकरीब मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ निजी फाउंडेशन, हस्पताल और यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और प्रोफेसरों ने तलबा तलबात को इस बीमारी के हवाले से आगाही फराहम की। केयर के बारे में करना है कि जो लोग दुनिया में थैलेसीमिया से आ गए हैं, हाउ कैन वी ट्रीट देम, और लास्टली यही है कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट डिजीज वी हैव टू शेयर अमंग द सोसाइटी। वक्त हम में से 5 से 8% कैरियर हैं, यानी कि 100 में से 5 लोग ज़रूर कैरियर हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर टोटल जो है 10 मिलियन कैरियर हैं, और जिन बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो चुका है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है, और हर बच्चे के अंदर 15 दिन के बाद ब्लड लगता है। साल के अंदर आप देख लें उसको कितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेंगे, और दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, और अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो कि 30 से 40 लाख का खर्चा है। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी का ये वाहिद डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है जहाँ पर यह इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया गया, और हमारी कोशिश है कि इस यूनिवर्सिटी में 35,000 स्टूडेंट्स हैं, हम हर महीने में एक सेमिनार करेंगे, हर महीने में हम ब्लड कैंप अरेंज करेंगे, जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको ब्लड यहां से जाएगा। तकरीब में शरीक थैलेसीमिया के शिकार बच्चों ने बताया कि इस बीमारी का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है, बाकायदा खून मिलने से ही उनकी बका है। ये तो हमें पता है कि हमें कितना इस बीमारी से लड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता मतलब, और हमारी बहुत हेल्प की जा रही है। पहले हम ऐसे होते थे कि बेड से उठने काबिल भी नहीं होते थे, अब हम ये हैं, हर जगह जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं।
ज़्यादा तौर थैलेसीमिया वाले बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि 15 दिन बाद किसी को लगता है, किसी को 10 दिन बाद लगता है, और बहुत मुश्किल ही मिलता है। हर जगह पे घूमना पड़ता है, वालदैन को परेशानी उठानी पड़ती है, और जब ब्लड लगता है उसकी वजह से कभी बुखार भी हो जाता है तो कभी बीमार हो जाते हैं, लेकिन कभी दवाई लगती है कभी नहीं लगती। तकरीब के शुरका ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के अज़म का इजहार किया ताकि सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और प्रोफेसरों ने तलबा को आगाही लेक्चर्स दिए। शरका का कहना था कि पाकिस्तान में 5,000 से ज्यादा बच्चे ये मुसी मर्ज वरासत में लेकर आते हैं, शादी से कबल CVS टेस्ट जरूरी करा दिया जाए। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों और उनकी फैमिली ने शिरकत की। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सूफिया फरूख का कहना था कि थैलेसीमिया एंड बोन मैरो सेंटर में मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये बात बताना इंतहाई जरूरी है कि बहावलपुर के थैलेसीमिया सेंटर में कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग यानी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है थैलेसीमिया के लिए, ताकि वो अनफॉर्चुनेट फैमिलीज जिनमें एक बच्चा पैदा हो गया है या जिनमें हिस्ट्री है, वो अपनी जेनेटिक सैंपलिंग करवा लें और उनके खानदान में मजीद इस तरह के बच्चे पैदा ना हों। इंचार्ज थैलेसीमिया एंड बोन मैरो सेंटर डॉक्टर असमा शौकत का कहना था कि थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को खून के अत्यात देने का रुझान बढ़ाना होगा। मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है कि शादी से पहले एक दफ़ा अगर स्क्रीनिंग करवा ली जाए फैमिली की, तो इससे थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत कम होंगे और इससे आगाही भी बढ़ेगी लोगों की। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर कहरोड पक्का प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। साबिक डायरेक्टर इलाम इकबाल कॉलेज लाहौर डॉक्टर हसन महमूद रजा का कहना था कि थैलेसीमिया इंसानी जिस्म में खून बनाने के कुदरती अमल को रोककर पेचीदगियां पैदा करता है। पाकिस्तान में 5,000 बच्चे ये बीमारी विरासत में लेकर आते हैं। DSP मोहम्मद रिजवान का कहना था कि देही इलाकों में इस मुसी मर्ज के हवाले से लोग ज्यादा आगाही नहीं रखते, सरकारी और नीम सरकारी इदारों को बीमारी के खात्मे में भरपूर किरदार अदा करना होगा। इशफाक मुश्ताक का कहना था कि आने वाली नस्लों को मुझी बीमारियों से महफूज रखने के लिए शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाया जाए। थैलेसीमिया एक बीमारी है खून की, जो एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। मैं इस वाक के जरिए ये पैगाम दूंगा कि जो हमारे आने वाली नस्ल है उन बच्चों को महफूज फरमाएं और अपने खानदान शादी करने से पहले हीमोग्लोबिन की स्क्रीनिंग जो है हम वो कर लें। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर DHU अस्पताल बिहाड़ी में तकरीब मुनाकिद की गई। केक काटने के साथ मुतासर बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक चौधरी, इंचार्ज थैलेसीमिया सेंटर डॉक्टर किरत उलैन, MS डॉक्टर अहमद फराज, डॉक्टर अब्दुल हफीज, डॉक्टर तनवीर गोजर समेत बच्चों के वालदैन ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक चौधरी का कहना था कि थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो आम आदमी की पहुँच से दूर है। हमने अपने वार्ड में बच्चों के साथ ये इसको मनाया है और जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं उन्होंने केक भी काटा है। इसमें इस तरह है कि अवेयरनेस जितना ज़्यादा दी जाए ताकि बच्चे जो है ना इस बीमारी से महफूज रह सकें और इनका बर वक्त इलाज और इनकी डायग्नोसिस जो है, वो जो वालदैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है बर वक्त इसकी डायग्नोसिस करवाएँ, इलाज करवाएँ ताकि बच्चे जो है इस बीमारी से महफूज रह सकें। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर नजीब और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने मरीज बच्चों को खून के अत्यात दिए और इस बीमारी की रोकथाम पर जोर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि जिन फैमिलीज में थैलेसीमिया के मरीज हैं वो स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। DG खान में स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद है। तकरीब के इख्तिताम पर मुतासर बच्चों को तहाइफ भी दिए गए। हमारे पास एक यहाँ पे फुल डेवलप दो पीडियाट्रिक्स वार्ड है, तो थैलेसीमिया की तमाम तर जो है वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे दिल्ली के ऑपरेशन भी कर चुके हैं। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हर किस्म की अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं, इंजेक्शन भी मौजूद हैं और टैबलेट भी मौजूद हैं। जैसे जैसे हमारे जो पीडियाट्रिक्स और थैलेसीमिया वाले एडवाइस करते हैं, हम उस हवाले से तमाम मेडिसिन बच्चों को दे रहे हैं। आलमी जोमे थैलेसीमिया पर शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल और MS डॉक्टर आगा तोहीद ने आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था शेख जैद अस्पताल में CVS के टेस्ट की सहूलत मौजूद है, शादी से कबल CVS टेस्ट जरूर करा दिया जाए। इस डे का मकसद हमारी पॉपुलेशन में थैलेसीमिया की आगाही करना है। थैलेसीमिया सेंटर हमारे यहाँ 2014 से काम कर रहा है और इसमें हम बच्चों को हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनकी मेडिसिन
और बाकी अद्वियात और सारा इलाज फराहम कर रहे हैं। इस डे का मकसद ये है कि हम आप पॉपुलेशन को ये आगाही दें कि थैलेसीमिया को बचाने का एक ही तरीका है कि हम इसकी कैरियर डिटेक्शन करें, ताकि दो कैरियर्स की आपस में शादी ना हो और उससे ताकि थैलेसीमिया का मर्ज आगे मुंतकिल ना हो। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर महकमा सेहत लैया के ज़ेर एहतमाम तकरीब और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। DHO डॉक्टर मोहियुद्दीन, MS डॉक्टर शाहिद महमूद ने शिरकत की। डॉक्टर मोहियुद्दीन का कहना था कि थैलेसीमिया से बचाव के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर अमल किया जाए, शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराया जाए। डॉक्टर आसिफ मेरानी का कहना था कि बच्चों के बरवक्त इलाज के लिए इकदाम किए जाएँ। थैलेसीमिया डे के हवाले से ही बात करेंगे। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर आगाही सेमिनार, मुतासर बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत, शुरुका को एहतियाती तदाबीर बताई गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ राशिद इकबाल ने थैलेसीमिया सेंटर जल्द फाल करने का मुतालबा कर दिया। आनवास की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जहाँ थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें थैलेसीमिया फाइटर्स बच्चे भी मौजूद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने थैलेसीमिया सेंटर जल्द फाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा वो मुल्तान से थैलेसीमिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज चैम्बर में भी चैम्बर और हदिया फाउंडेशन मिलकर थैलेसीमिया डे मना रहे हैं। थैलेसीमिया एक मारूसी बीमारी है और लाइलाज है। एक दफ़ा थैलेसीमिया के साथ बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसको हर माह तकरीबन 2 बोतलें खून की, और जब तक वो इस दुनिया में रहते हैं उनको हमेशा के लिए दवाई भी लाजमन खानी पड़ती है। तो क्योर तो इसका है कोई नहीं, मगर प्रिवेंशन ज़रूर है और उस प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हदिया फाउंडेशन के CEO शेख उमैर सईद का कहना था कि एक थैलेसीमिया मरीज से शुरू होने वाली हदिया फाउंडेशन आज 250 से ज़ायद मरीजों के इलाज के साथ साथ मुफ्त तालीम भी फराहम कर रही है। सीमिया का डे है, इस हवाले से कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि हम इन बच्चों की ज़िंदगी को बचा सकें। इसका शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट का कानून पास किया जाए, जैसे सिंध असम्बली में पास किया है, और उसको पूरा फाल किया जाए कि शादी से पहले अगर थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाए तो हम अपनी आने वाली नस्ल को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस मौके पर थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का कहना था कि वालदैन शादी से पहले अपना टेस्ट ज़रूर करवाएँ ताकि बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकें। थैलेसीमिया से लड़ने के लिए आप सब भी हमारा साथ दें। हम 17 साल से फाइट कर रहे हैं थैलेसीमिया से, और सब मेडिसिन टाइम पर खाएं जो मरीज हैं, और इस बात पर किया जाए कि ना टेस्ट करवाया जाए शादी से पहले। हमारी तकलीफ को देखें, हमने कितना कैसे गुजारी है ये सिर्फ हम जानते हैं। मुतासिर बच्चों का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तान को थैलेसीमिया से निजात दिलवाने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ ऑन अब्बास रूही मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।